टुलियन लेक। पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये लेक साल के अधिकांश समय तक जमी हुई रहती है। पीर पंजल और जंस्कर पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित टुलियन लेक घने जंगल, हरे भरे घास के मैदान और बर्फ से लदे पहाड़ों से घिरी हुई है। इस ट्रैक को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है पहलगाम से बैसरन तक, जो लगभग 7 किलोमीटर का है। ट्रैक का दूसरा हिस्सा है बैसरन से लेकर टुलियन वैली तक का। ये रास्ता काफ़ी घने जंगलों से गुजरता है और बहुत स्टीप है। ट्रैक का तीसरा हिस्सा टुलियन वैली से लेकर टुलियन लेक तक का है। जो भी ओवरनाइट रुककर ये ट्रैक करते हैं वो टुलियन वैली में कैंपिंग करके दूसरे दिन लेक की ओर चलना शुरू कर देते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे हमने पहलगाम से टुलियन लेक का ट्रैक शुरू किया। On our way to Baisaran Valley. फ्रेंड्स, यहाँ से आपको घोड़ा भी मिल जाता है। अगर आप ये पैदल नहीं कर रहे हैं और आपको फिर भी टुलियन लेक जाना है तो आप घोड़े से भी जा सकते हैं। बैसरन को इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसी पहाड़ी के पीछे है टुलियन लेक। फ्रेंड्स, यहाँ से एक बहुत स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई और यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है और बहुत ही थका देने वाला
ट्रैक था ये, और स्पेशली ये जो पार्ट था ये सबसे टायरिंग था। ये हमारे गाइड हैं। बदल जाएगा हाँ 5 मिनट। वाह ठंड बढ़ गई यहाँ पे। हाँ तो ये झरना है वो जिस कौन सा पार्टी अच्छा ओके और तुलियान लेक वो पहाड़ी के पीछे है। अभी हम 2 घंटे चले, 2 घंटे चल के आए यहाँ पे और 2 लगेगा। वो आगे पहाड़ी है उसके पीछे। Ready? बेटा थक गई लगती है। हाँ बड़े
थोड़ा माधवी को गाजर दिखाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज वाटर, बहुत थक गई है, ग्लूकोज वाटर देख के जल्दी आएगी। मैडी ग्लूकोज तो करे। यस अमेजिंग आयुष माधवी, हाउ यू फीलिंग? Excited? Are you tired? I am feeling one with God. तो बोलना ना, प्लेन आता। अभी थोड़ा सा चढ़ाई खत्म हुआ है 2.5 घंटे बाद, और ये प्लेन थोड़ा सा रास्ता चालू हो रहा है ऐसा लग रहा है। चढ़ाई में तो वाट लग जाती है, 60 डिग्री से ऊपर स्टीप है, 60 डिग्री 70 डिग्री ऐसा स्लोप पे कंटिन्यू वाट लग जाती है। अभी थोड़ा सा ये फॉरेस्ट की चढ़ाई सबसे टायरिंग होती है, और उसके बाद जब वैली आती है तो थोड़ी थकान कम हो जाती है, क्योंकि वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। वैली देख के आपकी पूरी थकान निकल जाती है। अभी हम तुलियन वैली पहुँच रहे, और वैली के बात और थोड़ा सा चढ़ाइए फिर तुलियन लेक पहुँच जाएंगे, और 1.5 घंटा ट्रेक। हम अपनी होटल से 7:30 बजे निकले थे, और बैसरन से हम ये देखिए पहुँचे हैं अभी। बैसरन से 9 बजे निकले थे, और अब कितना बजे है टाइम? टाइम क्या हुआ अभी? 11:20 हो रहे हैं अभी, और अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हाँ, ये है टुलियन वैली, अभी पहुँच रहे हैं हम इस टुलियन वैली में, और आगे आप देख रहे हैं पहाड़, ये पहाड़ हमें और थोड़ा क्रॉस करके टुलियन लेक जाना है। हाँ फूला फूला था। सब देवदार के पेड़ है, पूरा देवदार का जंगल है, जहाँ से हमें शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता। पर अगर आप ट्रैक कर रहे हो सामान कम से कम रखो, नहीं तो और वजन बढ़ जाए, जितना कम वजन हो अच्छा हो। और प्रैक्टिस करो यहाँ आने से पहले, बहुत सारा प्रैक्टिस, वजन कम करो, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रैक है भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रैक। टुलियन वैली, टुलियन लेक, अभी लेक तो आ गया है।
सचमुच शब्द नहीं है, इतना सुंदर है। चल के आएंगे तो अलग होता है देखने का, चल के आएंगे तो वो जो होता है अलग ही मजा आता है। खुशी और ये हमारे गाइड साहब है बहुत अच्छे गाइड है यहाँ, ये हमको यहाँ बैसलरन से बैसलरन से यहाँ तक आए लेके आए है बहुत ही अच्छे गाइड है, क्योंकि बैसलरन से अकेले आने में मुश्किल ये है कि सब जंगल है और रास्ता का डेंस फॉरेस्ट है और रास्ते का पता ही नहीं चलता, गुम होने का डर रहता है और अगर लेट हो गए अंधेरा हो गया तो वापस जाने में और मुश्किल होगी, इसलिए बैसलरन से बैसलरन ना बड़ी बैसलरन बैसरन बैसरन हाँ बैसरन मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको बैसरन को, तो बैसरन से गाइड ज़रूर कर लेना और ट्रेकिंग बहुत मुश्किल है तो घोड़ा कर लेना, बहुत से मतलब 90% लोग घोड़ा करते हैं, क्यों जी सही है ना 90%? हाँ महीने में आना है, जून जुलाई में आना, तब ट्रैकिंग के लिए आते हैं यहाँ, रात को जाए बैठना है। कैसा होता है वैली बताइए, उन तुलियन वैली अभी हम पानी भरने जा रहे हैं, हमारा पानी ख़त्म हो गया, गला सूख रहा है। यहाँ से ये प्योर पानी है, तो यहाँ से भर रहा है।